तो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा हम किस टॉपिक पे दोस्तों बात करने वाले हैं। ये है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से मिलने वाला वाव कार्ड। वाव कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था और किस तरह से आप IDFC फर्स्ट बैंक से वाव कार्ड ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस कार्ड को हम बंद करने से पहले ये पहले जान लेते हैं इनके बेनिफिट्स क्या है एक बार फिर से, और मैं किस लिए इसे बंद कर रहा हूँ, क्या इनके नेगेटिविटी है या फिर क्या इसका डिसएडवांटेज है वो हम यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे बेनिफिट्स क्या है इसके इस कार्ड को लेने के लिए। दोस्तों आपको मैंने बता दिया था 2 से 3 दिन पहले कि 5 FD कार्ड के बारे में, जिसके मदद से मिनिमम डिपॉजिट करके FD वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, जिसमें कि ये आप देख सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक से मिलने वाला ये वाव कार्ड है। यहाँ पर भी दोस्तों पिछले वीडियो में आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप कि आप घर बैठे किस तरह से वाव कार्ड ले सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक से। यहाँ पर दोस्तों मेन मैटर यहाँ पर निकल के ये आता है, अगर आप FD कार्ड कराने जा रहे हैं यानी FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो कहीं कहीं लोगों के मन में ये सवाल चलता है भाई हम FD कराते हैं तो कितने परसेंट हमें रिटर्न मिलेंगे जो भी हम डिपॉजिट करते हैं। तो इस कार्ड के ऊपर दोस्तों आपको 100% का लिमिट मिलता है, जिसमें कि अगर सपोज करिए अगर आप 5,000 रुपये FD करते हैं तो 5,000 रुपये की लिमिट्स मिल जाती है। ऐसे अगर देखा जाए तो पैसा बाजार के साथ भी सीन है, वहां भी आपको 100% लिमिट मिल जाते हैं जितना का भी आप डिपॉजिट करते हैं। जैसे में वन कार्ड के भी अंदर में आपको दोस्तों वहां पर देखने को मिलता है जितना आप डिपॉजिट करते हैं उतने का आपको लिमिट्स मिल जाती है। तो इस सारे जगह से मैंने सारे प्रोसेस ऑलरेडी मैंने बता रखा है। अगर आप वन कार्ड के जरिए से FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, वहां पर भी मिनिमम 2,000 या फिर किसी अनदर बैंक के जरिए से अगर वन कार्ड आपका मिलता है तो वैसे में 5,000 रुपये कहीं ना कहीं वहां पर भी मिनिमम FD आपको अलग अलग लेंडर के जरिए से देखने को मिल सकता है या फिर बैंक के जरिए से देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में यहां पर जो मिला है IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से मिलने वाला ये वाव कार्ड 5,000 रुपये का यहां पर FD किया गया था और 100% यहां पर लिमिट मिल चुका है। यहां पर दोस्तों बेनिफिट्स की अगर बात किया जाए, सबसे पहले तो जब भी आप कोई भी बैंक के जरिए से या फिर किसी भी चीज़ों के लिए आप प्रोडक्ट फाइनेंस कराना चाहते हैं या बाइक लेना चाहते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपकी सिविल स्कोर नहीं होने के कारण या फिर सिविल को बढ़ाने की वजह से हमें मिनिमम FD करानी पड़ती है, क्योंकि कोई भी बैंक हमें बिना सिविल के हमें कोई लोन नहीं प्रोवाइड कराती है, ना पर्सनल लोन हो ना ही कोई और लोन की प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है और ना ही कोई और चीज़ें फाइनेंस करा सकते हैं। तो हमारे पास एक तरीका होता है कि हम FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर में वाव कार्ड कैसे ले सकते हैं FD बेस्ड, यानी मिनिमम आपको 5,000 रुपये के FD करना है और टोटल 5,000 रुपये के FD आपको दोस्तों मिल जाते हैं, उस लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेनिफिट्स की एक और बात बता दें यहाँ पर, जब इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो 45 डेज तक किसी तरह का कोई इंटरेस्ट चार्जेस नहीं है, आप जितना भी खर्चा करते हैं आप इसे EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर दोस्तों ये निकल के आती है, जैसे ही आप इस लिमिट का ऑन टाइम रिपेमेंट करते हैं, ये एक्चुअल में बैंक का कार्ड है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो आपकी सिविल स्कोर 3 से 4 महीनों में अच्छी खासी हो जाती है और जैसे आप ऑन टाइम रिपेमेंट करते हैं आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी ठीक हो जाती है। जब आपकी सिविल स्कोर ठीक ठाक होती है तो कोई भी बैंक आपको लोन देने से कतराएगी नहीं, बल्कि सोचेगी कि आपको लोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो सिविल स्कोर काफ़ी यहाँ पर दोस्तों मैटर करता है, तो सिविल को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर FD करा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात और यहाँ पर बताना चाहते हैं, सपोज करिए अगर आपको यहाँ पर 5,000 रुपये FD करते हैं और 5,000 रुपये FD करने पर लिमिट मिलता है इस कार्ड के अंदर, और इस कार्ड को अगर आप 15% से ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सिविल ड्रॉप होना शुरू हो जाती है और आपके सिविल स्कोर में या फिर सिविल के डैशबोर्ड में देखने को मिलता है, जब आप सिविल रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो उसमें दिखाई देगा कि आपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन 100% में कितना किया है। ध्यान रखिएगा 100% में आपको कम से कम 15% क्रेडिट कार्ड का लिमिट का इस्तेमाल आपको करना है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर दोस्तों इस बारे में बताते नहीं। इसी कारण से इस कार्ड को मैं यहाँ पर बंद करने वाला हूँ और यहाँ पर सिविल को बढ़ाने के लिए दोस्तों ये FD कार्ड मैंने करवाया था। फाइनली सिविल भी बढ़ चुके हैं, सारा चीज़ फाइनेंस भी हो रहे हैं, सारा प्रॉपर काम हो रहा है। अब इस कार्ड को हम यहाँ पर लेना नहीं चाहते हैं। एक्चुअल में ये कार्ड जो है सिक्योर कार्ड है, क्योंकि हमने यहाँ पर पैसा डिपॉजिट करके लिया है, ना कि ये अनसिक्योर। अनसिक्योर वो होता है जो आपके सिविल बेस और KYC डॉक्यूमेंट के आधार पे कोई भी बैंक या फिर NBFC फर्म के जरिए से क्रेडिट कार्ड या फिर कोई भी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। तो आज हम देखने वाले किस तरह से हम इस
क्रेडिट कार्ड को हम बंद करेंगे। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से सिविल स्कोर बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप IDFC फर्स्ट बैंक का वाव कार्ड ले सकते हैं, सारे प्रोसेस जानकारी लेने के लिए डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए अब हम दोस्तों देखते हैं कि किस तरह से हम FD पेस क्रेडिट कार्ड जो लिया हुआ है हम इसे कैसे क्लोज कर सकते हैं। वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहें। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे। इस तरह से अपने IDFC फर्स्ट बैंक को लॉगिन कर लेना है एप्लीकेशन के अंदर में। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर सेविंग और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5,000 रुपये की FD की गई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस कार्ड को बंद करने से पहले जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उसे आपको जीरो कर लेना है, यानी फुली पेमेंट कर देने होंगे, तभी जाके ये सारे प्रोसेस हो पाएंगे। नीचे में आपको अकाउंट वाले ऑप्शन देखने को मिल रहा है और ऊपर में कार्ड का, इसके ऊपर भी क्लिक करके आपको यहाँ पर 3 डॉट लाइन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पर ब्लॉक और टेम्प्रोरी ब्लॉक या फिर परमानेंट ब्लॉक आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है जो हमें क्रेडिट कार्ड को क्लोजर फॉर्म में हमें देखना चाहिए। तो यहाँ से हमें ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, हम इसे यहाँ से दोस्तों बैक हो जाएंगे। ठीक है, गो बैक के ऊपर यहाँ पर दोस्तों क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर सर्च करना है क्रेडिट कार्ड क्लोजर। ठीक है, तो आपको होम पेज पे यहाँ पर दोस्तों आ जाना है। होम पेज पे जैसे आप यहाँ पर आते हैं ऊपर में आपको सर्च बार मिल जाता है, आपको इस तरह से आपको सर्च कर लेना है कार्ड क्लोजर। तो मैंने यहाँ पर फाइनली सर्च कर लिया था पहले, इसके ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस कार्ड को क्लोज करने के लिए। ध्यान रखिएगा, कार्ड क्लोज करने जा रहे हैं तो आपको जो भी इनके आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो भी आप लिमिट का इस्तेमाल किए होंगे, इनके फुली पेमेंट आपको यहाँ पर फाइनली कर देने होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटस्टैंडिंग जो भी यहाँ पर है जीरो हो चुका है, 5,000 के दोस्तों ये FD वाला क्रेडिट कार्ड था। जैसे आप नीचे यहाँ पर दोस्तों स्क्रॉल करते हैं तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा क्रेडिट कार्ड क्लोजर रिक्वेस्ट, तो आपको राइट साइड में बटन मिल रहा है रिक्वेस्ट वाले बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो ये सारे प्रोसेस दोस्तों तभी आप कंप्लीट करिएगा जब आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो हो जीरो आपकी हो जानी चाहिए, यानी कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि वही चीज़ें बताया गया है कि भैया जो भी आपकी है रिडीम कर लीजिएगा, रिवॉर्ड्स पॉइंट जो भी हैं आप यहाँ पर ग्रैब कर लीजिएगा, ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, और आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो भी है आपको यहाँ पर क्लियर कर देना होगा। ये सारे क्लियर करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर रीज़न देना होगा कि आप क्यों क्लोज कराना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नॉट इंटरेस्टेड। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बैंक नेम की बात पूछा जा रहा है कि किस बैंक में आप जो भी आपने FD किया है उस अमाउंट को लेना चाहते हैं। तो इस तरह से मैंने बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर डाल दिया और निश्चय से सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, आप वही बैंक अकाउंट दीजिएगा जो आपका बैंक अकाउंट एक्टिव हो, और ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने से पहले आउटस्टैंडिंग अमाउंट जीरो कर लीजिएगा, इनकी पेमेंट कर दीजिएगा, रिवॉर्ड्स पॉइंट्स जो भी आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिला होगा लेन देन करने पे वो भी आप कर लीजिएगा। और इस तरह से बैंक की तरफ से एक मेल और इस तरह से एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिल चुका है, जैसा कि देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर क्लोजर। ठीक है, तो फाइनली हमने यहाँ पर डाल दिया है और ये 2 से 3 दिन के अंदर में, ऐसे अप्रॉक्स देखा जाए तो 6 से 7 दिनों के भीतर ये कार्ड आपका बंद हो जाता है और आपके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं जो भी आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल दिया है। तो कार्ड देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैकलिस्ट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट द्वारा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर कार्ड होल्डर है उनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर रिक्वेस्ट कुछ इस तरह से कर दिया गया है क्लोजर के लिए। अब ये कार्ड कुछ इस तरह से यहाँ पर कार्ड वाले सेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो ये है तरीका किस तरह से देख सकते, तो ये था तरीका। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।